हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। जैसा कि आपको पता है कि डेली रात को 9 बजे की एक हमारी क्लास होती है, जिसमें हम देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मॉक टेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली सुपर टेट की कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर पोर्शन आपका जीके और करंट अफेयर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जीके की क्लास हमारे दूसरे चैनल एग्जाम डोज पे चल रही है, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर की क्लास आपकी यहाँ पर चल रही है क्योंकि वेटेज काफ़ी होता है इनका। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आई थिंक ये सबको पता होगा, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 20 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी, यानी कि आज जो है आज ही के दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनके द्वारा। अब देखते हैं, भारत में इस दिन के अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि शहीद दिवस अभी मैंने आपको बताया कि इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस, उस दिन भी मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो उस दिन भी शहीद दिवस के रूप में ही वो दिन भी मनाया जाता है। तो 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों ही दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, स्पेन, मेडागास्कर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मेडागास्कर। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में भी हाल में ही भीषण चक्रवात आया है जिसमें करीब 92,000 लोग, यानी कुल मिला के 1 लाख के करीब लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो इनको राहत पहुँचाने के लिए एक ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया है, एक अभियान जो है राहत, आप इसको ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज INS एरावत सहायता लेकर सेशल्स पहुंच गया है फिलहाल, और भारत में मेडास्कर को पीने का पानी, आवश्यक भोजन सामग्री, कपड़े और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों की सहायता दी जाएगी। भारतीय मूल गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो भारतीय मूल की हैं गीता सभरवाल, थाईलैंड, नेपाल, चीन, रूस। अच्छा, पहले सबसे तो देखिए रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होता क्या है, ये क्या होता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र का अगर बात करते हैं रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, तो ये किसी भी देश में उनके मिशन का एक प्रमुख दूत होता है, दूत कह सकते हैं आप उन्हें। चलिए देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है गीता सभरवाल जी को। ठीक है, ये इसका सही आंसर होता है। इनके पास जो है मालदीव सहित 5 एशियाई देशों में विकास, शांति, शासन और जो सोशल सामाजिक नीति निर्माण होता है उन सबका 25 साल का अनुभव भी है इनके पास, और इसके आधार पे इनको जो है ये पोस्ट प्रदान की गई है। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेविगेशन प्रोडक्ट्स मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है। दिल्ली, मनीला, मास्को, बेंगलुरु। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट, विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर अगर बात करते हैं तो वो बेंगलुरु है, बेंगलुरु आया है। यहाँ पे जो है मुंबई और पुणे जो है वो चौथे और पांचवें नंबर पे आए हुए हैं। कोलंबिया का बोगोटा शहर तीसरे स्थान पे है। दिल्ली ट्रैफिक के मामले में 8वें स्थान पे है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली से भी ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, पुणे में है, इन सब जगह पर। ये पूरे विश्व के शहरों का हुआ था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया इंडिया का है। ठीक है,
तो पहले स्थान पे बेंगलुरु है इंडिया का, दूसरे स्थान पे फिलीपींस का मनीला शहर है। तो मनीला जो है ये दूसरे स्थान पर है, दिल्ली जो है वो आपके 8वें स्थान पर है। हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में मतलब ज्वाइन किया है, बीजेपी ज्वाइन की है किसने? साइना नेहवाल, ऋतुपर्णा दास, ललिता दाहिया, संजना संतोष। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है साइना नेहवाल, जो कि ओलंपिक में देश के लिए जो है पहले कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो ये कोई भी मेडल जीतने वाली ओलंपिक में पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, और दिल्ली के चुनाव में जो है ये बीजेपी के समर्थन में प्रचार प्रसार जो भी है वो करेंगी। और बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और इनको जो अवार्ड्स वगैरह क्या कुछ मिल चुके हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो 2009 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2010 में फिर उनको पद्मश्री मिला, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला, और 2016 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने ACNE लीग में 87.86 मीटर का थ्रो फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? संदीप चौधरी, शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, प्रकाश बुनकर। अभी इनके बारे में बता दूं कि इनको थोड़ी सी चोट वगैरह भी लग गई थी, और उसके बाद जो है ये जब ठीक हुए हैं तो ये पहला इवेंट उनकी चोट के बाद जो है ये था। और इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सॉरी सी नीरज चोपड़ा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो 85 मीटर था, जो कि क्रॉस कर लिया है, यानी कि 87.86 मीटर का थ्रो फेंका है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, पदक या कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टॉप पे रहे हैं ये 20 क्लासिफिकेशन मार्क्स के साथ में, और जीत कर लेकर आए हैं स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 फरवरी, 10 जनवरी, 30 जनवरी। चलिए देख लेंगे इसका क्या सही आंसर होता है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 30 जनवरी, यानी आज के ही दिन को जो है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। आप मतलब एक नॉर्मल सी है कि कुष्ठ रोग एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है, नॉर्मली सभी लोग को ये इस बारे में पता है, टीवी वगैरह में भी इसके बारे में जानकारी जो है फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाने के ऐड और अभियान जो है जारी रहते हैं। विशेष रूप से स्पेशली जो है ये स्किन डिजीज़ है, त्वचा रोग में होता है, और उससे संबंधित जो भी तंत्रिकाएँ होती हैं, आँख को प्रभावित करता है, ये सारे जो है ऑर्गन्स हैं जो इसके इफेक्ट में आते हैं। भारत में अब यह रोग लगभग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में अब 10,000 में से एक व्यक्ति भी मत से भी कम लोगों में ये रोग पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है, रेयर ही इसके, लेकिन पूरी तरह से 100% ख़त्म नहीं हुआ है इसका, रेयर जो है हमें देखने को केसेस मिलते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं? 6, 5, 4, 3, कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 6। तो हाल ही में भारतीय रेल ने जो है देश में पूरे 6 कॉरिडोर चिन्हित किए हैं जिन पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी,
और इसमें हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन की जो रफ्तार होगी वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी, और जबकि सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो बनेंगे उनमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलेगी। और ये कॉरिडोर जो है वो कई सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या महानगर जिसे आप कह सकते हैं उनसे गुजरेगा, जैसे दिल्ली है, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, इन सब शहरों से होके ये गुजरेगा। और ये 6 कॉरिडोर में दिल्ली, नोएडा, आगरा, वाराणसी के बीच बनाया जाने वाला 865 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भी शामिल रहेगा। तो ये थोड़ा से याद करने वाली चीज़ है। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? भारत, नागरिकता, संविधान, मोदी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सबको पता है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी वर्ड यानी कि हिंदी शब्द साल का 2019 साल का हिंदी शब्द, सर्वश्रेष्ठ हिंदी शब्द कौन सा चुना गया है ये आपको बताना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान। ऐसे ये चुना कैसे जाता है? तो देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टीम जो है वो अपने फेसबुक पेज के जरिए सबसे बेस्ट हिंदी शब्द के चयन के लिए आवेदन मांगती है, और उसी के आधार पर जो है हज़ारों आवेदन आते हैं और उसके आधार पर ये चयन किया जाता है कि कौन सा वर्ड जो है वो बेस्ट है। और इसके अलावा ये भी कहना है, इसका जो तर्क है कि क्यों संविधान ही बेस्ट वर्ड माना गया 2019 के लिए, वो तो इसका ये कहना है कि देखिए संविधान जो है देश की भावना का प्रतीक होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, और इसमें जो है जनता के मूड, नीति निर्माताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित यह शब्द करता है। तो इस वजह से इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम दोस्त, तो उसे भी एक बार जाके जरूर चेक करिएगा क्योंकि जीके की क्लास वहीं पर चल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।